हाय गाइस, स्विंग स्टेटा CB30 एंड M30Z सॉफ्टवेयर में कैसे हम लोग ऑपरेटिंग करें, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर जैसे हम लोग का CB30 में सॉफ्टवेयर लगता है MCI 70 version 3.1, ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर चलाने के हमको मतलब प्रोडक्शन चलवाने के क्या करें हम लोग, उसके लिए पहले तो हम लोग डिस्कटॉप में पहले 4-5 बार रिफ्रेश मार दीजिएगा, ठीक है ना। आपको अगर वायरस वायरस रहेगा तो डिलीट हो जाएगा, आसानी से चलेगा आपको प्लान। ओके, मारने के बाद आपको ये जो सॉफ्टवेयर है स्विंग स्टार्टर का सॉफ्टवेयर रहता है ना, सॉफ्टवेयर में 2 बार क्लिक कर दीजिए, जैसा कि MCI 70 version 3.1 2 बार क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आ गया यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम पासवर्ड एक्चुअली हर स्विंग स्टार्टर में सेम ही रहता है, कोई कोई अगर प्लांट में ऑपरेटर तो अलग से रख देता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर में आता है इसमें स्टेटर रहता है, ठीक है ना। पहले स्टेटर करने के लिए शिफ्ट दबा के एक्स दबाइए, ठीक है। उसको देखिए आपका बड़ा एस आ गया ना, एस हर टाइम बड़ा रहेगा। उसके बाद TETTER स्टेटर हो गया जी। पासवर्ड सेम ही डालना है, इसको बड़ा करना है, ठीक है ना। पहले शिफ्ट दबा के इस दबाइए, उसके बाद TETTER स्टार्टर हो गया। लॉगिन कर दीजिए। देखिए हम लोग का ये पहला सिम स्टार्टर MCI 70 version 3.1 पेज खुल गया, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए हम लोग का पेज बड़ा हो गया ना। जैसा मान लीजिए अगर न्यू सॉफ्टवेयर डाला है, ठीक है, उसमें तो आपको रेसिपी सेटिंग नहीं रहेगा। अगर रेसिपी सेटिंग रहता है मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए मतलब रेसिपी सेटिंग है, हम लोग क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्शन चालू करेगा। ये देखिए स्टार्ट प्रोडक्शन लिखा है ना, इधर जाएगा स्टार्ट प्रोडक्शन, इसमें एक बार क्लिक करेगा। देखिए इधर आपको ये वाला पेज खुल गया, इसमें दोनों से कोई भी डाल सकता है, रेसिपी कोड या प्रोडक्शन नेम, इसमें क्लिक कीजिए। देखिए आपका रेसिपी खुल गया, ठीक है ना। कौन सा रेसिपी चलाना है, जो चलाना है आपका मर्जी वही चला दीजिए। जो आपका वही ऑर्डर आया, हम लोग का ज़्यादा नहीं सेव किया है, 3-4 ही सेव किया है ना। जैसे हम M15 चलाना है, M15 में क्लिक कर दीजिए। देखिए M15 में कितने कितने के जी वो आ गया ना, 20 कितने के जी है, सेंट कितने के जी, KNMM सीमेंट कितने के जी है, वाटर कितने के जी है, सब कुछ आ गया, एडमिट चेक सब आ गया ना। उसके बाद अगर टीम लाइन में टीम नंबर देना चाहते हैं टीम नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ड्राइवर नेम होगा तो ड्राइवर नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद कौन सा साइड में जा रहा है वो साइड नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद कितना माल लोड करना है, मान लीजिए 4 MCU 5 MCU 6 MCU जितना माल लोड करना है, इधर क्लिक करके मान लीजिए हमको 20 MCU का ऑर्डर है, ठीक है ना। ये काट के हम 20 MCU कर दिया, ऑर्डर है 20 MCU, लेकिन TM में तो 20 MCU नहीं जाएगा ना, मान लीजिए TM में 7 MCU डालना है, 7 MCU। अगर 7 MCU नहीं डालना, अगर मान लीजिए 2 MCU डालना है पहले TM में, सॉरी 2 MCU डालना, 2 MCU डाल दीजिए। जितना डालना है डाल के आप जो इधर स्टार्ट दिख रहा है ना, स्टार्ट में क्लिक कर दीजिएगा, चालू हो जाएगा। क्लिक करके उसके बाद एग्जिट मार दीजिए, ठीक है, आपका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। अगर आपका मान लीजिए वाटर जितना सेट है कम बेसी करना पड़ेगा, तो इधर लिखा है ना सेट वाटर करेक्शन, इधर से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए 10 kg पानी ज़्यादा डालना है, 10 kg पानी ज़्यादा, अगर माइनस में करना है तो इधर ही माइनस कर दीजिएगा, माइनस करके 10 कर दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है वो भी डाल दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए ये हम लोग का हो गया, लोड कंप्लीट हो गया, इसमें बंद करने के लिए इधर क्विट ऑप्शन है ना, इसको कर दीजिए। क्विट करने के बाद एक्सिट मार दीजिए, ठीक है, यस कर दीजिए। देखिए हम लोग का सॉफ्टवेयर बंद हो गया, 2-3 बार रिफ्रेश मार दीजिए। मारने के बाद बंद करेगा कैसे,
इस साइड से बंद होता है, ठीक है। इधर क्लिक करेगा, देखिए पावर में क्लिक करेगा, इधर शट डाउन लिखा है ना, शट डाउन में क्लिक करके तो बंद हो जाएगा, जो हमको जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।